हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सर टेस्टी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सिक्स सेमेस्टर के। देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, इसका जो एकदम देखिए पेपर लीक समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जो हम क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताने वाले, एकदम चुपके से आपको एकदम यहाँ पर एकदम रीड कर लेना है, ठीक है। एकदम माइंड सेट कर लीजिए और यही क्वेश्चन आपके एकदम एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से देखिए, आपको एग्जाम से पहले ही देख लेना है और यह एकदम रखा ही है, ठीक है। जल्दी देखना है सभी स्टूडेंट्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। बाद में कोई भी स्टूडेंट्स ये ना कहे कि मेरा छूट गया है ये क्वेश्चन, सर ने बताया था, ठीक है। तो जो स्टूडेंट चैनल पर नए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए चलते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एलवीडीटी, इसको बताना है। तो एलवीडीटी हमारा क्या होता है, देखिए तो एलवीडीटी एक प्रकार का हमारा ट्रांसफार्मर होता है, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये कॉइल क्या होती हैं, एक्सियली स्पेस्ड होती हैं और ये सिलेंड्रिकल फॉर्मर पर लिपटी होती हैं, ठीक है, राउंडिंग शेप में। और ये देखिए इसमें दो वाइंडिंग्स भी होते हैं, जो क्या होता है, जिनके मध्य एक मैग्नेटिक कोर लगी रखी जाती है, जो दोनों कॉइल्स को क्या करती हैं, एक मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कर देती हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी काम को मेजर करना होता है, उसको पहले हम डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ये कोर को सेंड कर देते हैं, ठीक है। कोर को सेंड हो जाता है तो क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर दोनों सेकेंडरी के मध्य उत्पन्न होने वाले इंड्यूस्ड वोल्टेज को फिजिकल क्वांटिटी के सापेक्ष ये कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। ये आपको फिगर बना लेना है, इस टाइप से आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल सा फिगर है, आपको इसको क्रिएट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो जब एलवीडीटी की जो प्राइमरी कॉइल है, इसको एसी सप्लाई से ऊर्जित किया जाता है, और मैग्नेटिक कोर एलवीडीटी में एकदम मध्य में होती है, ठीक है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज ओपोजिशन में जुड़ी होती है। तो आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू होती है वो लगभग शून्य हो जाता है। सामान्यतः कोर के मध्य स्थान पर होने पर भी कुछ वोल्टेज कटआउट आउटपुट में से प्राप्त होता है, जिसका जो प्रमुख कारण है वो एक्सीटेशन होते सिग्नल, ठीक है, उसमें उपस्थित हार्मोनिक्स एंड तथा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की स्ट्रे कैपेसिटेंस जो होती है उससे कपलिंग के कारण ही ये क्या होती है, रेजिडुअल वोल्टेज जनरेट करती हैं, ठीक है। जब कोर के मध्य स्थान से दोनों में किसी एक तरफ स्थापित किया जाता है होती हैं, तो संबंधित वाइंडिंग्स में बढ़े हुए फ्लक्स हैं लिंकेज के कारण ये ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं दूसरी वाइंडिंग की तुलना में। या फिगर्स में भी देख लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट द्वारा हमें ये प्राप्त होता है। आपको फिगर लिखना चाहे आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, आप इंडिकेट कर देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखिए इसमें क्या है, इसके हम एडवांटेज को देख लेंगे, डिसएडवांटेज को देख लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है, एकदम चांस है इसके 100%, ठीक है। एलवीडीटी की जो मेजरिंग रेंज ये काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसका जो इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, यानी कम होता है, क्योंकि एक नहीं होता का मतलब, क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस होते भी इसका फ्रिक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो होती हैं कोर का वाइंडिंग से कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन भी नहीं होता है। एलवीडीटी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उससे भी प्रभावित नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर एलवीडीटी जो हिस्टेरिसिस एरर होता है उसका भी वैल्यू जो होती है लगभग शून्य होता है। पावर कंजप्शन जो एब्जॉर्प्शन वो कम होता है, ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख देंगे। अब देखिए हम इसके बात कर लेते हैं कि आखिर ये देखिए इसके जो डिसएडवांटेज हैं, तो एलवीडीटी स्टे मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिटिव होते हैं, वाइब्रेशन के कारण एलवीडीटी की जो वॉकिंग होती है वो भी प्रभावित होती इफेक्ट होती है। एलवीडीटी एसी सिग्नल द्वारा ही ऑपरेट किया जा सकता है, तापमान के अधिक मान पर एलवीडीटी परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, अनुप्रयोग क्या हैं, तो इसकी सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट प्रेशर एंड फोर्स इत्यादि को मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और बताते देते हैं, सीएनसी मशीन की जो स्पेसिफिकेशंस होती है ना, इसको जान लीजिए। जो सेंटरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी 1000 या आपकी 1500 mm होती है। हाइट की अगर बात करें तो 200 mm, बैट का जो स्विंग होता है वो 400 mm, बैट की जो विथ होती है वो 275 mm, स्पिंडल बोर जो हमारा है 42 mm, ठीक है। और यहाँ पर स्पिंडल बोर टेपर की अगर हम बात करें तो टेपर आपका होता है MT3, ठीक है। यहाँ पर स्पिंडल स्पीड की अगर बात कर ले तो 80 से आपका 2200 RPM, रैपिड ट्रांसवर्स रेट जो है
ये हमारा 5000 mm पर मिनट होता है। स्पिंडल पावर जो होती है वो 5.5 किलोवाट, सीएनसी सिस्टम जो वो सीमेंस पर बेस्ड होती है। तो ये आयुप आप सभी को समझ में आ गया हुआ। और देखिए हम आपको आगे बता दें कि आपको क्या करना है, आपको जो एक्चुएटर्स है, ठीक है, एक्चुएटर्स इसको पढ़ लेना है, ट्रांसड्यूसर्स को पढ़ लेना है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। आपको सेंसर को पढ़ लेना है, सेंसर क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों से आपका क्वेश्चन 100% रहेगा। सीएनसी मशीन जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया, सीएनसी मशीन आपका रखा है, एकदम समझ लीजिए, एकदम एग्जाम में आप एग्जाम देकर आएंगे तो कहेंगे सर आपका सीएनसी वाला भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। सीएनसी क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, यही आपका पूछेगा जनरली। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको देख लेना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ।